तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, जिसकी हेल्प से आप मल्टीप्लिकेशन काफी इजीली और जल्दी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं। जैसे हमें यहाँ पर क्वेश्चन मिला 78 मल्टीप्लस 72, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों में जो टेंथ प्लेस पे नंबर है वो है 7, तो हमें जो 72 है उसका 7 के आगे आता है 8, ये तो हम भी जानते हैं। तो हमें 7 मल्टीप्लाई 8 करना है, तो 7 मल्टीप्लाई 8 होता है 56। और ये जो अभी 8 और 2 है, जो 78 में 8 और 72 में 2 है, हमें 8 और 2 को मल्टीप्लाई करना है तो आता है 16। तो ये हो जाएगा 5616, और 5616 ही इसका आंसर है। या फिर हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 7 × 7 + 7, तो ये भी हो जाएगा 56, और 8 × 2 हो गया 16। पर ये ट्रिक वहीं पे काम करेगी जहाँ पर टेंथ डिजिट सेम हो। जैसे कि यहाँ पर टेंथ डिजिट में है 7, जो कि दोनों नंबर्स में सेम है, और अगर 90 से 100 के बीच में कोई नंबर होगा तो टेंथ डिजिट होगी 9, तो वहाँ पर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो चलिए दोस्तों ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। अगर 3 डिजिट वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा, जिसके स्टार्टिंग में अगर 10 आता है यानी 100 से जा रहा, तो उसे कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो लास्ट वाले 2 नंबर को ऐड कर लेना है। जैसे 7 और 8 को ऐड करने पे आता है 15, लेकिन हम सिर्फ 5 लेंगे क्योंकि 1 कैरी होगा। और फिर उन्हीं दोनों नंबर्स को आपस से मल्टीप्लाई करना है तो मिलेगा 56, और 1 कैरी है जो, उसको 10 का एज इट इज 10 को उतार देंगे, और जो 1 कैरी था उसमें 1 ऐड करके 11 लिख देंगे, तो 11556 इसका आंसर है। तो चलिए इसी तरह से एक और करते हैं। 5 और 9 को सबसे पहले तो हमें प्लस करना है, तो आएगा हमारा 9 और 5 होगा मिलेगा 14, तो 14 का सिर्फ 4 लिखेंगे, 1 कैरी होगा। फिर 9 5 जो होता है 45, लेकिन हम इसमें 1 कैरी को ऐड नहीं करेंगे। फिर 10 का हम एज इट इज उतार देंगे, और जो 1 कैरी था उसे हम 11 लिख देंगे, क्योंकि 10 + 1 होता है 11। अब आप इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो आइए दोस्तों वो ट्रिक देखते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फर्क होगा, जैसे कि 39 और 75, जिसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो कॉर्नर के 9 और 5 वाले नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मिलेगा 45, जिसमें से 4 कैरी होगा, और 5 × 3 और 7 × 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फिर जो आंसर आएगा उसको प्लस करना है, और जो 4 कैरी हमें मिला था उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 15 + 63 हो गया 78, और +4 हो गया 82, तो 82 का सिर्फ 2 लिखेंगे, 8 कैरी होगा। फिर 7 × 3 कर देना है तो 21 होगा, और 20 + 8 कैरी था उसको ऐड कर देना है तो होगा 29, और 2925 भी इसका आंसर है। और बस इसमें 4 स्टेप करने हैं। आपको ये लंबा लग रहा होगा, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करना है, और फिर लेफ्ट साइड वाले को मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसी की तरह एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 83 × 74, तो जैसा कि हमने देखा था 4 × 3 करना है तो मिलेगा 12, 12 का सिर्फ 2 लिखेंगे, 1 कैरी होगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो 4 × 8 = 32 और 7 × 3 = 21, 21 और 32 को ऐड करना है तो हमें मिलेगा 53, और क्योंकि हमारे पास 1 कैरी था 12 का, तो हमें 53 + 1 करना है तो होगा 54, और 54 का हम सिर्फ 4 लिखेंगे, फिर से 5 कैरी होगा, तो 7 × 8 करना है तो वो होगा 56, और 56 + 5 होगा 61, तो इसका आंसर होगा 6142। तो गाइस आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।